तो महिलाओं के लिए एक और सौगात, लेडीज स्पेशल बस। बढ़ते आगे, झारखंड के स्कूली शिक्षा को ट्रैक पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, बावजूद इसके स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। क्यों हो रहे ऐसे हालात? क्या प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा या फिर सरकार ध्यान नहीं दे रही? क्यों है ये सब? देखिए ये रिपोर्ट। माध्यमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षक मौजूद रहे। इस बाबत जानकारी देते हुए जैक अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से प्राचार्य और शिक्षकों के साथ इंटरैक्शन किया गया है, ताकि क्वालिटी एजुकेशन को सुनिश्चित किया जा सके। कार्यक्रम में जैक सचिव मिहिप कुमार भी मौजूद रहे। में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए, मासिक परीक्षा, सावधिक परीक्षा आयोजित किया जाए, प्रोजेक्ट वर्क उन लोगों से दिया जाए, मतलब मिला जुला करके प्रारंभ से बच्चे विद्यालय की ओर मुखातिब हों और अपने शिक्षा के प्रति उनके आकर्षण बढ़े, उसके लिए आपको क्वालिटी एजुकेशन करना, देश का विकास करना का मतलब ये नहीं होता है कि देश का विकास नहीं हो रहा। क्वालिटी एजुकेशन करना है कि अप टू मार्क, कि 100 में 100 की कोशिश हो रही है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं। मासिक और प्री बोर्ड परीक्षा के साथ ही कमजोर छात्रों के लिए अलग से कक्षा लेने की व्यवस्था शामिल है। हर महीने में पेरेंट्स टीचर मीटिंग की व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम में शामिल स्कूलों के प्राचार्यों ने कहा कि पहले शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं करने की स्थिति में शिक्षकों के पास अध्यापन के लिए समय कम मिल पाता है। गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं ही लगाना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका एक जो भी समय है वो उधर चला जा रहा है, जिसमें वो शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में सोच सकते हैं, कर सकते हैं, कुछ भी अपना विचार भी कर सकते हैं, वो समय तो उनका गैर शैक्षणिक में चला जा रहा है। तो निश्चित ही कि वो उसको नहीं करने से इधर लाभ होता ही। बनाया ही लोगों ने सिलेबस के हवाले से या टाइम टेबल के हवाले से या रिजल्ट के हवाले से या मंथली टेस्ट के हवाले से, तो वाकई में अगर इसको इस पर अमल दर अमल किया जाए, जमीन पर उतारा जाए, तो हमको लगता ही नहीं पूरी उम्मीद है कि झारखंड सरकार, झारखंड का या रिजल्ट, चाहे वो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो, कम से कम जैक का रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। बड़ा सवाल ये है कि पहले बच्चों को स्कूलों से जोड़ा जाए, साथ ही छात्रों की उपस्थिति का प्रतिशत भी पढ़ाया जाए। जब तक इस पर काम नहीं किया जाएगा, विभाग की किसी भी कार्य योजना का फलाफल मिलना मुश्किल है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रांची से न्यूज 11 के लिए शहनवाज की रिपोर्ट।